हेलो एवरीवन, आई एम प्रेजेंटिंग दिस वीडियो ऑन ट्रैक्शन कंट्रोल यूनिट। वी विल टॉक अबाउट द ट्रैक्शन कंट्रोल यूनिट यूज्ड इन ट्रैक्टर्स। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको ट्रैक्शन की डेफिनेशन देना चाहता हूँ। ट्रैक्शन कंट्रोल यूनिट तक बाद में पहुंचेंगे, पहले हम रिवाइज कर लेते हैं कि ट्रैक्शन क्या है। तो ट्रैक्शन इज द फोर्स जनरेटेड बिटवीन ट्रैक्टर टायर एंड सोयल, यानी ट्रैक्टर के टायर और उसकी सोयल के बीच में जो फोर्स जनरेट होता है। फोर्स जनरेट कौन करता है? टायर। टायर जब मूव करता है तो क्या करेगा? सोयल को पीछे की तरफ पुश करेगा। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, सोयल उसको आगे की तरफ पुश करेगी। ठीक है, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड इन अपोजिट डायरेक्शन, इसी बेस पे सारा मूवमेंट होता है। तो अगर हम इसको हिंदी में आपको समझने के लिए बताएं तो टायर और मिट्टी के बीच की जो पकड़ है उसको ट्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, बट यू शुड नो द डेफिनेशन। तो ट्रैक्शन की मदद से ही ट्रैक्टर आगे की तरफ मूव करना शुरू करता है और ट्रैक्शन की वजह से ही वो लोड को पुल करता है। ट्रैक्शन को आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि ट्रैक्शन इज द फोर्स अप्लाइड ऑन ट्रैक्टर टायर्स टू ओवरकम द रेजिस्टेंस एट द टायर सोयल कॉन्टैक्ट सरफेस। यानी टायर और सोयल की कॉन्टैक्ट सरफेस पे जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ड्यू टू फ्रिक्शन, तो उसको ओवरकम करने के लिए ट्रैक्शन की जरूरत होती है। ओवरकम करने के लिए जो फोर्स लगाते हैं वो ट्रैक्शन होता है। और ट्रैक्शन लगाया किसके द्वारा जाता है? इंजन पावर के द्वारा। इंजन पावर है वो लाइव एक्सल्स को पावर सप्लाई करता है और लाइव एक्सल्स वो फोर्स अप्लाई करते हैं सोइल पे और ट्रैक्शन अप्लाई होता है। तो जो लाइव एक्सल पे व्हील्स होते हैं उनको हम ट्रैक्शन व्हील्स बोलते हैं। इसके अलावा जो फ्रंट व्हील है ट्रैक्टर के वो डेड एक्सल पे होते हैं, तो डेड एक्सल व्हील्स को हम ट्रांसपोर्ट व्हील्स बोलते हैं। अब ट्रैक्शन कंट्रोल का मीनिंग क्या है? अब ट्रैक्शन तो हमें पता चल गया क्या है, अब व्हाट इज ट्रैक्शन कंट्रोल? तो ट्रैक्शन कंट्रोल का मतलब है कि ड्राइव व्हील्स के ऊपर ट्रैक्शन को घटाना या बढ़ाना, जिससे कि ट्रैक्टर चलने, ट्रैक्टर मूव करना शुरू कर दे और जो अप्लाइड लोड है उसको भी पुल करना शुरू कर दे। ठीक है, दिस इज ट्रैक्शन कंट्रोल, यानी ट्रैक्शन को कम या ज्यादा करना। तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ट्रैक्शन कंट्रोल इज टू कंट्रोल द ट्रैक्टिव एफर्ट एट द रनिंग गियर्स टू ओवरकम ऑल काइंड्स ऑफ रेजिस्टेंस एंड पुल। यानी कि जो ट्रैक्शन व्हील है उनके ऊपर कितना ट्रैक्टिव एफर्ट लगाया जा रहा है, जिसकी वजह से वो सारे रेजिस्टेंस जो भी लग रहे हैं उन सबको ओवरकम कर सके। अब कौन कौन से रेजिस्टेंस लग रहे हैं ये देखते हैं। तो रोलिंग रेजिस्टेंस लगता है फ्रिक्शन की वजह से व्हील के ऊपर। ग्रेडियंट रेजिस्टेंस हो सकता है, अगर ट्रैक्टर एक ऊंची जगह पे चढ़ रहा है, ग्रेडियंट पे जा रहा है। इम्प्लीमेंट की वजह से रेजिस्टेंस हो सकता है, क्योंकि इम्प्लीमेंट सोयल के अंदर चल रहा है तो वो सोयल रेजिस्टेंस भी बोलते हैं इसको। और अदर लॉसेज भी हो सकते हैं, जो जैसे फ्रिक्शन लॉसेज एट वेरियस प्लेसेज इन द ट्रैक्टर। इन सबको ओवरकम करने के लिए हमें ट्रैक्टिव एफर्ट लगाना पड़ता है। इस ट्रैक्टिव एफर्ट को अगर ट्रैक्टिव एफर्ट इन सारे रेजिस्टेंसेज से कम है तो ट्रैक्टर मूव नहीं करेगा, इसलिए हमें वहां पे ट्रैक्शन बढ़ाना पड़ेगा, उसको ज्यादा पावर देनी पड़ेगी। तो ट्रैक्शन कंट्रोल की जरूरत क्यों होती है, अब हमें समझ में आ जाएगा कि हमने ये देखा कि ट्रैक्शन मेंबर यानी कि टायर और सोयल के बीच में इतना रेजिस्टेंस होना चाहिए कि ट्रैक्टर को सफिशियंट अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन मिले और जिससे ट्रैक्टर मूव करना शुरू हो जाए। ठीक है, अगर सोयल स्ट्रोंग है तो जो फोर्स उस पर अप्लाई कर रहा है व्हील, तो वो सोयल ब्रेक नहीं होगी और वो इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स व्हील्स पे लगाएगी और व्हील मूव करना शुरू कर देंगे। अगर सोयल सॉफ्ट है तो जो व्हील सॉफ्ट सोयल के ऊपर फोर्स लगाएगा तो वो सोयल ब्रेक हो जाएगी। वो ब्रेक हो जाएगी तो क्या होगा,
टायर स्लिप करना शुरू कर देगा, यानी सफिशियंट ट्रैक्शन नहीं मिलेगा। तो इस तरह की स्लिपेज को अवॉइड करने के लिए हमें ट्रैक्शन चेंज करना पड़ता है, ठीक है, तो उसको ट्रैक्शन कंट्रोल बोलते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे आपको नए वीडियो जो आने वाले हैं उनकी भी सूचना मिलती रहेगी और मुझे भी एक मोटिवेशन मिलेगा कि आप मुझसे जुड़े हुए हो। तो आगे बढ़ते हैं। अब ट्रैक्शन कंट्रोल की हमने बात की कि ट्रैक्शन कंट्रोल की जरूरत है। अब हमने ये देखना है कि ट्रैक्शन कंट्रोल के मेथड क्या हैं, कैसे ट्रैक्शन कंट्रोल कर सकते हैं। तो कई तरीके हैं ट्रैक्शन को कंट्रोल करने के लिए। सबसे पहला मेथड है टायर इन्फ्लेशन प्रेशर। अगर हम टायर का प्रेशर कम कर दें तो उसका सरफेस कॉन्टैक्ट एरिया बढ़ जाएगा और उससे ट्रैक्शन भी बढ़ जाएगा। दूसरा, टायर ट्रेड डिजाइन। जो टायर हम परचेज करते हैं उसका ट्रेड आपने देखा होगा, लग्स होते हैं, जो उसको उभरा हुआ पार्ट होता है, जिसको लेमन भाषा में गुड़ियां बोलते हैं, ट्रैक्टर की गुड़ियां हैं जी, तो उनको लग्स बोलते हैं वैसे हम टेक्निकली। तो वो लग्स की डेप्थ कितनी है और उसका टायर का पैटर्न कैसा है, इस पे इससे भी हम ट्रैक्शन ले सकते हैं। कई तरह के टायर होते हैं, मैं मेरा एक वीडियो है ट्रैक्टर टायर्स एंड व्हील्स का, उसमें आप जाकर देख सकते हैं कि किस तरह के ट्रेड पैटर्न्स हैं और वो कैसे अफेक्ट करते हैं ट्रैक्शन को। तो अभी हम यहाँ इतना करेंगे कि टायर ट्रेड का डिज़ाइन चेंज करने से और उसकी लग्स की डेप्थ चेंज करने से ट्रैक्शन कंट्रोल हो सकता है। एक और तरीका है यूजिंग ट्रैक्स एंड चेंज। आपने देखा होगा कि कई बार जैसे अर्थ मूविंग का काम चल रहा होता है तो वहाँ ट्रैक टाइप के व्हीकल्स यूज करते हैं, वो किस लिए होते हैं, ज़्यादा ट्रैक्शन लेने के लिए। तो अगर हमारा ऐसा एरिया है काम करने का जहाँ पे ज़्यादा सॉफ्ट या मडी सॉयल है और हमें ज़्यादा ट्रैक्शन की जरूरत है, तो वहाँ पे हम ट्रैक्स और चैन टाइप के ट्रैक्टर यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है पुटिंग एडिशनल वेट। अगर हम रियर साइड में ज़्यादा वेट रख दें, एक्स्ट्रा वेट ऐड कर दें, तो वहाँ से भी तब भी ट्रैक्शन ज़्यादा मिलेगा। फिफ्थ है ब्लास्टिंग। ब्लास्टिंग का मतलब होता है कि जो रियर व्हील्स होता है उसके अंदर आप वाटर भर दो या उनमें सैंड भर दो, तो उसकी मदद से वहाँ का वेट बढ़ाया जा सकता है और वहाँ वेट बढ़ गया तो ट्रैक्शन इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। सिक्स्थ है डायनेमिक वेट ट्रांसफर। अब जो डायनेमिक वेट ट्रांसफर का मतलब कि ट्रैक्टर जब चल रहा है तो उसके रियर व्हील्स के ऊपर हम इम्प्लीमेंट का वेट ट्रांसफर कर दें। ये जो वेट ट्रांसफर मैंने आपको बताया था, एक वेट ट्रांसफर का कंसेप्ट का मेरा वीडियो है, उसको देखिएगा। तो वेट टुवार्ड्स द ट्रैक्शन टायर अगर हम बढ़ा दें, इम्प्लीमेंट वेट को उधर ट्रांसफर कर दें, तो भी ट्रैक्शन इंक्रीज किया जा सकता है। अब इन सारी चीज़ों में जो हमने सिक्स पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, उसमें जो एक से पांच पॉइंट हैं, ये इस तरह के पॉइंट हैं जिनको हम काम करते वक्त उसी टाइम चेंज नहीं कर सकते। जैसे इन्फ्लेशन प्रेशर है, इसको हमने कम कर दिया लेकिन उसके बाद हमें बढ़ाने की जरूरत है तो उस टाइम बढ़ाना मुश्किल हो जाता है। ट्रेड टायर ट्रेड है, वो एक बार खरीद लिया उसके बाद हम बार बार चेंज नहीं कर सकते। ट्रैक्स और चैन टाइप का ट्रैक्टर खरीद लिया, उसको चेंज नहीं कर सकते। एडिशनल वेट हम पुट कर सकते हैं, उसके लिए वेट हमें साथ रखने पड़ेंगे। ब्लास्टिंग कर सकते हैं लेकिन उसके लिए भी ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसीजर है, पानी या सैंड भरना। लेकिन जो सिक्स मेथड है डायनेमिक वेट ट्रांसफर, इसको जल्दी से किया जा सकता है, ठीक है। ये हमारा जो ट्रैक्शन कंट्रोल यूनिट है वो इसी डायनेमिक वेट ट्रांसफर पे डिपेंडेंट है, तो इसको हम आगे इस डिटेल में कंसीडर करेंगे। बाकी ऊपर के पांच पॉइंट को डिटेल में हम नहीं पढ़ेंगे, जो डायनेमिक वेट ट्रांसफर है इस पर हम डिटेल स्टडी करेंगे। तो अब ट्रैक्शन कंट्रोल यूनिट क्या होता है इसको हम समझ सकते हैं। ट्रैक्शन कंट्रोल यूनिट क्या है, अभी हमने देखा कि कई तरह के मेथड हैं ट्रैक्शन को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन जो एक्चुअल ट्रैक्शन होता है वो कई चीजों पे डिपेंड करता है कि हमारे सोयल कंडीशन कैसी है। अगर स्लिपरी है तो ट्रैक्शन ज्यादा और बढ़ाना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट की डेप्थ ज्यादा है तो भी ट्रैक्शन को बढ़ाना पड़ेगा। तो इसलिए जो डायनेमिक वेट ट्रांसफर है ये काम करता है ट्रैक्टर को ट्रैक्शन कम ज्यादा करने के लिए।
तो डायनेमिक वेट ट्रांसफर में क्या है कि ऐसे मेथड यूज किए जाते हैं जिससे हम काम करते वक्त, फील्ड में काम करते वक्त ट्रैक्शन को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकें। तो ये जो मेथड है इसको ट्रैक्शन कंट्रोल यूनिट बोलते हैं। ट्रैक्शन कंट्रोल यूनिट के द्वारा ये डायनेमिक वेट ट्रांसफर किया जाता है। अब ट्रैक्शन कंट्रोल यूनिट के कौन कौन से टाइप्स होते हैं? बेसिकली ब्रॉडली हम, इससे पहले मैं आपको एक बता दूं कि ट्रैक्शन कंट्रोल यूनिट को शॉर्ट में TCU बोलते हैं। एग्जाम में आपके अगर इसकी फुल फॉर्म पूछे तो आपको याद रखना है ट्रैक्शन कंट्रोल यूनिट, और आगे भी हम इसको शॉर्ट में TCU वर्ड को यूज करेंगे। तो TCU का अगर यूज आपसे पूछा जाए तो आप बताओगे कि TCU इज यूज टू इंक्रीज और डिक्रीज द ट्रैक्शन ऑन रियर व्हील्स। अब TCU किस पे अप्लाई किया जाता है? देखो, तीन तरह के इंप्लीमेंट आपको मैंने बताया, ट्रेलिंग इंप्लीमेंट, सेमी माउंटिंग इंप्लीमेंट और माउंटिंग इंप्लीमेंट। जो ट्रेलिंग इंप्लीमेंट है उन पे कोई ट्रैक्शन चेंज नहीं होता है, फिर भी अगर हम करना चाहें तो जो पहले मैंने पांच मेथड बताए उनसे कर सकते हैं। डायनेमिक मेथड इस पे यूज नहीं होगा, ठीक है। अगर माउंटिंग इंप्लीमेंट है तो उसका ट्रैक्शन कंट्रोल करने के लिए ट्रैक्टर के अंदर ड्राफ्ट कंट्रोल सिस्टम दिया होता है, ये मैं आपको एक अलग वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो जो सेमी माउंटिंग इंप्लीमेंट है उनका ट्रैक्शन कंट्रोल करने के लिए हम ट्रैक्शन कंट्रोल यूनिट यूज करते हैं, जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ट्रैक्शन कंट्रोल यूनिट दो तरह के होते हैं, ब्रॉडली देखें तो दो तरह के होते हैं, एक मैकेनिकल ट्रैक्शन कंट्रोल यूनिट और एक हाइड्रोलिक ट्रैक्शन कंट्रोल यूनिट। मैकेनिकल ट्रैक्शन कंट्रोल यूनिट है, इनको मैकेनिकल तरीके से हम ट्रैक्शन को चेंज करते हैं, और हाइड्रोलिक सिस्टम में हम ट्रैक्टर के हाइड्रोलिक सिस्टम की मदद लेते हैं और जो प्रेशराइज्ड फ्लूड है उसको यूज करते हैं। अब ये मैकेनिकल ट्रैक्शन कंट्रोल यूनिट और हाइड्रोलिक TCU, इन दोनों की डिटेल में आपको अगले वीडियो में आपको डिटेल्ड कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग आपको बताऊंगा। तो मुझे लगता है कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो आप मुझे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब की फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको सारे बाकी वीडियो भी पता चलेंगे, और अगर आप बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन भी मिलेंगे कि आप नया वीडियो आ गया है और अब आप इसको देख लीजिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग पेशेंसली।